अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, ये जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये चूना डिपो है। और चूना डिपो पे जो है ना, अब चूना डिपो की बारी आ गई है। और ये गाड़ी खड़ी है यारू की, ये यारू की गाड़ी खड़ी है। और काम स्टार्ट करना था आज, लेकिन स्टे ऑर्डर कहीं से आ गया, उस वजह से रुक गए। अगर थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें, तो ये सामने खामोश कॉलोनी है। खामोश कॉलोनी की भी बारी आ चुकी है। और अभी फिलहाल जो है ना, ये चूना डिपो से काम स्टार्ट करेंगे। चूना डिपो से काम स्टार्ट होगा और ये आगे की तरफ जाएगा, तीन हट्टी की तरफ। तो ये इसका ये पॉइंट भी रह गया है, और एक एक दो पॉइंट और रह गए हैं जिसके ऊपर जो है ना, इन्होंने काम करना है। तो अब ये कि थोड़ा सा आगे की तरफ चल के देखते हैं कि आगे क्या काम होगा। ये देखो, सारे घर गिरेंगे। ये अभी से आज देख लो आप कि ये सारे घर गिरेंगे। देखें, हो सकता है किसी की कम कटिंग हो। क्रॉस का निशान, इसका मतलब है नहीं चाहिए घर, नहीं चाहिए यहाँ जगह, नहीं चाहिए। तो आगे जाने की जगह भी नहीं है। ये गोलाई में जा रहा है यहाँ से ना, सामने रक्षा, सामने भी जगह नहीं है। सुबह आए थे, हाँ। सर सारे पीछे से तोड़ते हुए आ रहे हैं, अब ये पट्टी रह गई है। तो लीज तो सारे केडीए लीज भी थी, वो भी तोड़ दी उन्होंने। रद्दबदल है ना, ये जो आईडी लिखी हुई है ये हरे रंग की, तो इसके ऊपर पैसे मिलेंगे ना। तो 90,000 से क्या होता भाई, अभी ये बताओ। तो वो बोल तो रहे 90,000, फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर दोबारा मिलेंगे। 6 महीने लेकिन ज्यादा है, 4 किस्तें। हाँ ये तो है, 4 किस्तें देंगे। चलो 6 महीने, हाँ मेरे ख्याल से 4 किस्तों का बोल रहे हैं। क्या सारी जिंदगी किराया देंगे हमारे? वो ये बात भी है। कौन सा घर है आपका? ये घर यार बड़े परेशान यार, सारे बच्चे वाले हैं। और रमजानों में ये ट्रायल नहीं कर रहे यार, कम से कम रमजान रुक गया, रमजानों में भी रुक गए। कोई मसला तो हल होना चाहिए ना यार। ईद के बाद काट दे, रोजे रखे हुए हमारी, और ऐसा काट दे अल्लाह पाक बस तुम्हारे को दुआ निकले दिल से। काटे तो इतना काटे हैं, देखो कितनी जगह है, बहुत जगह है, लेकिन फिर पूरे उड़ा रहे। नाला कितना चाहिए, रोड कितना चाहिए, तो ये नाले उड़ाओगे फिर भी हमारे मकान बचेगा। उधर से भी देखो कितना कितना जा रहा है, 22 24 22 24, इससे कटिंग होगी उधर। हाँ, के बाद इनको 30 फुट चाहिए था, कितना और कितना लोग, वो 32 है, वो 26 है, इस तरह ना वो भी जाएंगे काफी सारे। आपकी बात सही है, इनको दीवार से कितना चाहिए था? 30 फुट। 30 चाहिए था, हाँ। ये 30 तो वहाँ तक है, फिर 32 पे लगा दिया उन्होंने, 60 फुट ले रहे। पता नहीं यार, ये अब इनके 40 फुट हो गया ना, इन्हीं के काम है यार। हम तो, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि कहाँ से ले रहे हैं। वैसे बोलते तो हैं वैसे 30 फुट ले रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है इसको थोड़ा सा और आगे करना हो। यहाँ उन्होंने ये भी बोला था,
जो गोलाई में से नाला आ रहा है ना, जहाँ पे जैसे रोड निकलेगा, तो उनको थोड़ा सा रोड चौड़ा चाहिए होता है, इसलिए कि जब गाड़ी मुड़ती है ना तो वो स्लिप ना हो जाए। तो जैसे एक रोड जा रहा है सीधा, तो जब ऐसे टर्न मार रहा होता है ना रोड, उस पर गाड़ी स्लिप हो जाती है अगर छोटा रोड हो तो, जैसे फोरन कट मार रहा है तो उसको थोड़ा सा चौड़ा चाहिए होता है रोड, शायद मेरे ख्याल से इस वजह से। ये देखो राउंड हो रहा है ना, ये आपने अक्सर देखा होगा पुलों के ऊपर भी जो है ना राउंड मार रहा है, लेकिन वो सही है, उनको चाहिए होती है जगह। यार अगर ये हमारी लीज जगह है तोड़ लें इनको, रद्द बदल 90,000 में क्या होगा यार? हमारे इतना पैसा लगा है, 50 लाख रुपए तकरीबन 90,000 में अगर आप कोई बाइक लेंगे वो नहीं आएगी। हाँ ये तो है, होंडा की कोई ले लें या वो ले लें क्या? हाँ नहीं आएगी, जो काम होना तो वो तो हो गया। हाँ लेकिन यार वो तो गया, जो हमारे लीज मकान जा रहे हैं सही है तरीके से, रद्दो बदल तो दिया जाए। मेरे से छोटे हो ठीक है, औलाद के हमारे बच्चों के बराबर ठीक है। हमने सर एक एक आदमी के पास जाके ना मिन्नतें की, यार आप हमारे साथ आ जाए ठीक है सर। शुरू में हमारे साथ थे हाई कोर्ट के, अच्छा हाई कोर्ट से सर ये हमारे साथ कुछ ट्रिब्यूनल में, अच्छा ठीक है सर। उसके बाद में वहाँ के चला ट्रिब्यूनल में, ये हमारा को छोड़ के भाग गए। अब हमारी तो गलती नहीं है ना सर, हमारे को ये पता था अरेंजमेंट करेंगे। अब इन्होंने मुआवजे के बदले में हमें क्या दिया आपको पता है? 90,000 रुपये। आज भी हमारे मकान का स्टे ऑर्डर बोल रहे हैं, हम इसको नहीं मानते। कोई नहीं मानते ट्रिब्यूनल को, आप छोड़ दें तोड़ दें। बोला नहीं नहीं तोड़ेंगे भी नहीं, हम दूसरे का इंतज़ार करेंगे, तीसरे का। अब तकरीबन 7वां 8वां सर हम लोगों ने ये स्टे का दिया। अच्छा स्टे से क्या है? वक्ती तौर पर तो सहारा है ना सर, लेकिन 90,000 रुपये वक्ती तौर से सहारा, लेकिन तोड़ना तो है उन्होंने, बजाय इसके वकीलों को पैसे देने के क्या फायदा? वकीलों को पैसे दे रहे होंगे ना स्टे के, तोड़ लें बहुत सारी। अब इधर देखें ना, इधर कितनी जगह है, यहाँ से वहाँ तक कितना गैप है, वहाँ देखें वहाँ भी कितना गैप है, 24, 29, 28, 32, 40। वकील करे, वकील अगर ये काम करे, मकान दिलवा दे, हाँ जगह दिलवा, जब तो चलो आप कम से कम 10 लाख भी देने को तैयार हो जाओ कि यार चलो 10 लाख में 25 लाख वाला घर मिल रहा है। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो वकील पैसे खा रहे हैं आपके। ये किसी को एक मसला, अब्रार भाई प्लाटिंग भी दे देना। यही तो मसला ही तो आगे अटक रहा है सर, जब प्लाटिंग का मसला शुरू हुआ ना। अच्छा वैसे वकील को कितने पैसे देते हो? वकील को सर 5,000 रुपये। अच्छा और दोबारा जो, अच्छा पहले हमारा केस बिल्कुल फाइनल हो चुका था, बोला ये हम लोग आएंगे, आपने हाथ से लिखने को नहीं बताया, SDM, DC, डायरेक्टर जनरल, डी डिपार्टमेंट, सब लिख के दे के चले जाते हैं। जब जरूरत पड़ेगी हम लोग 10 फीट इधर से 10 फीट 40 फीट का नाला, अब वो 40 फीट को बोलना है, 80 फीट समझ नहीं आ रहा हमारी यार। दुनिया से वहाँ से शुरू हुआ है, 30 फुट से शुरू हुआ है, चलो 40 हो गया, इसी इस टुकड़े में आ गया 80 फुट का, 80 फुट करना बोले यहाँ पानी का भाव बोल, सबसे ज़्यादा खुला इलाका गवर्नमेंट से बहस तो करेंगे, कभी गुजारिश ही कर सकते भाई। तो ये लाइनें जा रही हैं माफिया जो है, ये सबसे बड़ा नाला है ये याप वाला, 80 का है ये। हाँ ये क्योंकि वो ये और ये आपका वाला और आगे जो 3 हट्टी तक खत्म जा रहा है, ठीक है, जितने भी नाले है ना, कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, इसी नाले में आ रहे हैं ना, तो ये आपकी बात सही है। आखिरी को बड़ा होना चाहिए, वो ये बोलते हैं बड़ा होना चाहिए ना। आप यहाँ से सीरे की तरफ जाएंगे, हाँ नहीं उधर रेबर गलत की, हाँ गया देखा आपने नाला, वहाँ दो दीवारें खड़ी हो गई है, कितनी है, एक यहाँ तक खड़ी, दोनों साइड पे खड़ी कर दी ना ये वाली दीवार, एक यहाँ तक खड़ी, तो उस वो उसके बारे में तो मुझे पता है, दीवारें खड़ी कर दी और उसको तोड़ेंगे दोबारा, पता है आपको? हाँ दोबारा तोड़ेंगे उसको, दोबारा तोड़ेंगे, हाँ दोबारा तोड़ के बड़ा करेंगे, गलती से उनकी दीवारें लग गई हैं, वो सही है, उसके हिसाब से वहाँ की जगह नहीं जुड़ी है, बस सर वो करेंगे। अब देखो वही जानते हैं हम तो, कुछ कह नहीं सकते, वो बना हुआ है वैसे ही बना रहे, यहाँ पर भी कम ही हो जाए उतना ही हो जाए क्या है, और ये 40 फुट कम है, कम होता है 40 फुट यार, 80 फुट है नाला, वो अब तो 80 फुट कर दिया ना, हाँ आखिरी पॉइंट आ गया ना ये, बिल्कुल वहाँ से आखिरी जीरो आ गया अब ये, तो सर ये जीरो से शुरू हुआ है, ये जीरो से शुरू हुआ है, एंड हो गया ना ये, है नहीं यहाँ नहीं है वहाँ पर है, 3 हट्टी मुझे पता है 3 हट्टी तक एंड है, तो फिर बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि बहाव लोगों का ज्यादा आता जा रहा है, यानी कि नाला स्टॉप का भी यहाँ पे पानी आ रहा है, ये सी वाले का भी आ रहा है, खामोश कॉलोनी का भी आ रहा है, परदोस कॉलोनी का भी आ रहा है, इसी में आ रहा है। सही है आपकी बात, चलो सही है, सारी चीजें आ रही है, अब यहाँ जो गरीब रह रहे हैं लीज वाले मकान जिनके हैं, सही है, तो उनका कसूर कोई है यहाँ के तुम नाला बड़ा कर रहे हो? उनका कसूर है
तो उनको यार दो रद्दो बदल दो उनको यार। सही बात, बात के ऊपर अभी सुबह तुम्हारे सामने हुई तो गलत है, आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, सुप्रीम वहाँ भी छोड़ के भाग के मेरे को बोला यार जाओ हमने तुम्हें माफ किया। अरे भाई तुमने हमें माफ नहीं किया, अल्लाह ने हमें माफ किया। जाओ यार हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन माफ क्या करना, आएंगे जरूर वो, क्या करें, कल आएंगे। हाँ कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, मेरे को बताया था उन्होंने। पढ़ाई शुरू करेंगे आठ बजे आ जाओ अब। हाँ मुझे पता, कल आना पड़ेगा मुझे 9 बजे इधर। आठ बजे हाँ अच्छा, वो कोने वाला तो तोड़ेंगे ना पहले, क्यों? अच्छा उसका स्टे, उसका स्टे आया हुआ है।